आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 7.5x क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तीन पॉइंट्स हमें गिवन है, इनके हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि आपने ए बी और ए सी ए बी सी जो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका जो है वो मैग्नीट्यूड लेकर उसे 2 से डिवाइड कर देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो उसके लिए हम पहले ये दो वेक्टर्स निकालेंगे, ए बी और बी सी। ए बी वेक्टर किस तरह निकलेगा कि बी जो है उसके पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स को माइनस कर देना है। बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स को माइनस करेंगे, पहला पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से और तीसरा तीसरे में से। माइनस करने के बाद ये ए बी वैक्टर आ जाएगा। बी सी किस तरह निकालना है, सेकेंड वैक्टर जो भी है उसमें से फर्स्ट वैक्टर की वैल्यूज को माइनस कर देनी है, यानी सी में से बी की वैल्यूज को माइनस कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज माइनस करनी है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड। ये वैल्यूज जब इधर लिख के जब इस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैक्टर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके लिए हमने एक टर्मिनल सॉल्व करना है, आई जे के इसकी फर्स्ट रो होगी और सेकंड रो में ए बी के वैक्टर्स के कंपोनेंट्स होंगे और लास्ट में बी सी के जो है कंपोनेंट्स ही होंगे। और इसके बाद जो है इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है इसके हमने मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 50 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, इसकी जगह हम 50 की जगह लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट जाएगी 5 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 इस तरह रह जाएगा। और इसके बाद जो हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, मैग्नीट्यूड हमने निकाली हुई है पहले से क्रॉस प्रोडक्ट की, ये मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब जो भी सिंगल नंबर होता है इसको हम दो बार जजर की शक्ल में लिख सकते हैं, तो एक जजर ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने जो है वो सॉल्व करना है। शो दैट द पॉइंट्स, चार पॉइंट्स हमें गिवन है, आर क्लोक कोप्लेनर। इन पॉइंट्स को कोप्लेनर साबित करना है। कोप्लेनर के लिए हमने ये प्रूव करना होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका आंसर 0 आना चाहिए चारों पॉइंट्स का। पहली चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि ये कोप्लेनर है, और सेकेंड हमने प्रूव करना है कि दैट दीज पॉइंट्स आर द कॉर्नर ऑफ द पैरेललोग्राम, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, यानी उसके कॉर्नर्स हैं। तो उसको पैरेललोग्राम किसी भी पॉइंट्स को, चार पॉइंट पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कहा जाए, तो उसमें हमने क्या करना है कि ऑपोजिट साइड्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड्स निकालनी है। अगर वो बराबर आए तो वो हमारे पास जो है पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ये हमारे पास थर्ड चीज़ आ गई। अब जो चार पॉइंट्स ही हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन्हें ए बी सी डी का नाम दे देना है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर को प्लेनर, वी प्रूव दैट ए बी डॉट ए सी डॉट क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये 0 के इक्वल आना चाहिए, तो उसके लिए हमें इन तीन वेक्टर्स की जरूरत है, ए बी, ए सी और ए डी। ए बी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, बी में से ए के पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ए सी के लिए सी में से ए के पॉइंट्स को माइनस कर देंगे और ए डी के लिए डी में से ए के पॉइंट्स को माइनस करते जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स माइनस करने होते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड। माइनस करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व करना होता है तो हम एक डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, जिसकी पहली रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, सेकंड में सेकंड के कंपोनेंट्स और थर्ड में ये जो ए डी है हमने निकाला हुआ है इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देंगे, माइनस 4 वैसे ही आएगा और ये जिस रो जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, बाकी वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दरमियान में माइनस होता है। माइनस इसके बाद 1 है, 1 आ जाएगा और 1 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट, बाकी ये जो चार वैल्यूज हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और लास्ट पे 0 है, 0 के साथ जब वैल्यू लिखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगी, इसलिए लास्ट का कंपोनेंट 0 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 4 16 16 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूफ हो गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो पॉइंट्स क्या हैं कि कोप्लेनर। नेक्स्ट जो है बी पार्ट में हमने ये प्रूफ करना था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में मिलके एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी डी। तो उसके लिए हमने क्या करना, ऑपोजिट साइड्स के वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स निकालनी है। अगर मैग्नीट्यूड्स बराबर आती हैं तो फिर जो है ये जो है पैरेललोग्राम बनाएंगे। ए बी जो साइड है ये डी सी के इक्वल होना चाहिए और ए डी साइड इसके सामने वाली साइड बी सी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी ये हमने प्रूफ करना है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी ये वैल्यूज हमने प्रूफ करनी है कि बराबर आती हैं। अब ए बी जो है डिस्टेंस फार्मूले से, ये एक्चुअल में मॉड है, ये डिस्टेंस हमने फार्मूला लगाना है, जिसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर जेड टू माइनस जेड वन स्केयर। तो उस फार्मूले से जो है हमने लगा के इसका जो है वो सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू स्क्वायर रूट 17 आ गई। डी सी के लिए भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट। इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट 17 आता है। ए डी और बी सी के लिए भी इस तरह वैल्यूज निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसके ऑपोजिट साइड की जो वैल्यूज हैं ये बराबर आती हैं, तो जिसका मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। थर्ड पार्ट जो है उसमें हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ए डी अगर चार पॉइंट्स ही हैं तो ए डी क्रॉस डी सी,
दो वेक्टर्स लेने होते हैं उनका क्रॉस लेके और उनकी मैग्नीट्यूड निकालनी होती है। तो यहाँ पे हम जो है पहले ए डी और डी सी वैक्टर निकालेंगे। ए डी वैक्टर किस तरह निकाला है, डी में से ए के पॉइंट्स को माइनस करते गए हैं और डी सी वैक्टर के लिए सी में से डी के पॉइंट्स को माइनस करते गए हैं। तो इन्हें फर्स्ट फर्स्ट में से माइनस किया, सेकंड सेकंड में से, थर्ड थर्ड में से, तो फिर हमारे पास की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया और चूंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकाली, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है कि आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ पे के का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। उसके बाद इन वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इसका फाइंड करने का फॉर्मूला।